प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के बड़े और साहसिक नीतिगत फैसलों से भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। केंद्र सरकार ने देश में चावल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए देश भर में भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। भारतीय खाद्य निगम गया मंडल कार्यालय के अधीन 5 राजस्व जिलों में गेहूं खरीद के लिए खोलेगा 11 क्रय केंद्र। दस फरवरी से शुरू होने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर सिवान में हुआ मीडिया कार्यशाला का आयोजन। सर्वजन दवा सेवन का 100% लक्ष्य पूरा करने का है संकल्प। उनतीसवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। सीतामढ़ी में सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना सिटी के गायघाट स्थित रैन बसेरा और पालना घर का उद्घाटन किया। मुंगेर विश्वविद्यालय के परिसर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाल हृदय योजना के तहत वैशाली जिले से 4 और गोपालगंज जिले से 6 बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया अहमदाबाद।